हेलो स्टूडेंट्स जय हिंद सी एस सुनील शर्मा विथ 15 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस इन द टीचिंग फील्ड वेलकम यू ऑल टू आवर न्यू सेशन सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द रिव्यू ऑफ द पेपर विच हैज़ बीन रिसेंटली कंडक्टेड नवंबर 23 का जो है एफ का पेपर ओके प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ एनालिसिस किया था ए बी सी एनालिसिस And let's see the ABC analysis, what we have done in the previous video. So, part A, I ABC analysis my category A medala cost of capital, capital structure, ratio analysis. Obviously, ratio analysis may say first question. Tha. So let us move to the paper. Okay. So we are going to discuss the FM. And I really appreciate the students who have मेंटेन दी प्रेशर्स प्रेशर्स जिन्होंने हैंडल किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्जाम्स ओके एंड फाइनली द एग्जाम्स गॉट ओवर नाउ वी आर गोइंग टू वेट फॉर 10th ऑफ जनवरी ट्वेंटी बट यहाँ पर यह है कि बेटा एक चीज याद रखना कि नेवर एंड नेवर वी आर गोइंग टू लीव द फील्ड ओके क्योंकि यहां पे ये जो पेपर था आज का एंड इट वाज स्लाइटली एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक आया हुआ था ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का इतना हक तो बनता ही है कि मतलब कि दस माह का क्वेश्चन थोड़ा आउटसाइड द बॉक्स वो डाल सके बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था अकॉर्डिंग टू मी द पेपर वॉज हल्का सा लेंथी था बट अगर कंपेयर करें तो लाइक द प्रीवियस ईयर पेपर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बिंग रिपीटेड ओके सो लेट एस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन ए वॉज फ्रॉम रेशियो एनालिसिस रेशियो ओके okay. तो क्या था रेशियो एनालिसिस में फर्स्ट एज आई टेल यू कि मतलब कि हम लोग पहले रिक्वायरमेंट रीड करते हैं कि सेल्स से डेटर्स फाइंड आउट करना है क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है फैंटास्टिक है ठीक है अब यहां पे सेल्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो टूल अवेलेबल है वो है ग्रॉस प्रॉफिट का है ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट इज टेन लैक एंड जीपी रेशियो इज ट्वेंटी परसेंट क्या होगा सर अगर ट्वेंटी परसेंट के आगे कुछ नहीं दिया है कॉस्ट लेना है कि सेल्स लेना है ओके डोंट वरी इट हैज टू बी एज्यूम्ड ऑन सेल्स ओके अब यहां पर इंस्टीट्यूट ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी आपने यहां पे एजम्पन्स किया हुआ है ऑब्वियसली उसको आपको फुट नोट में लिखना पड़ेगा कि इन एबसेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द जीपी ऑफ ट्वेंटी परसेंट इज कंसिडर्ड ऑन सेल्स बाय डिफॉल्ट वो सेल्स पे भी कैलकुलेट होता ही है नाउ इट इज द जीपी विच इज गिवन एज टेन लैक विच इज द ट्वेंटी परसेंट so let the sales be 100 percent if you cross multiply fantastic 50 lakh rupees मुझे मिल गया that is the sales और ये मेरा requirement number first fulfill हो गया okay so once you are getting the sales second thing आपको मिलेगा वो होगा cogs अच्छा cogs का requirement क्यों है क्योंकि जब आप cogs find out करोगे तो str activate हो जाएगा that is the stock turnover ratio which was cogs divided by the average stock अब यहाँ पे average stock लेना पड़ेगा क्योंकि जो closing stock स्टॉक फॉर द सेम पीरियड वॉज फोर्टी थाउजेंड मोर देन दी ओपनिंग स्टॉक मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फोर्टी थाउजेंड मोर देन दी ओपनिंग स्टॉक है सो कॉग्स आपको यहां पे लेना पड़ेगा सो विल बी सोल से जीपी एंडी लैक्स कैसे आया सर सेल्स इज फिफ्टी लैक्स एंड द जी पी इज टेन लैख विच इज ऑलरेडी गिवन एंड देयर फोर द कॉग्स मिल गया आपको फोर्टी लैक्स वंस यू आर गेटिंग द कॉक्स ऑब्वियसली एस टी आर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा ओके एंड दिस क्वेश्चन वॉज वेरी फेंटेस्टिक जैसे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने सोल्व किया हुआ है एंड वी हैव गॉट द सेल्स सेल्स मिल गया हाँ डेटर टर्न ओवर रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकते थे डेटर की वैलोसिटी दी गई थी थ्री मंथ्स की ओके थ्री मंथ्स अगर आपको वैलोसिटी टाइम्स में कैलकुलेट करना था तो आप टाइम में भी कैलकुलेट कर सकते तो यू हैव द टू पॉसिबिलिटी जैसे थ्री मंथ्स है या तो आप उसको फोर टाइम्स ले सकते थे हाउ फोर टाइम्स बिकॉज इन अयर थ्री मंथस कम्स फोर टाइम्स तो फोर टाइम्स यहां पे बन सकता था वो अलग कैलकुलेशन हो सकता था ओके सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर वन ए विच वाज रेशियो एनालिसिस और यहां पे अगर आप मेरा एबीसी एनालिसिस देखोगे तो वहां पे कैटेगरी नंबर ए में मैंने डाला था रेशियो एनालिसिस जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि वहां पर आपको फोर्टी मिनट्स का देना है और हर एक फॉर्मूला वहां पर थ्रू करना है बट द फॉर्मूला वॉज वेरी सिंपल ओनली थ्री थिंग्स वर आस्ट

Uh, जो अपना रिसेंटली ट्रेंड फॉलो हो रहा था कि मुझे लगा कि मतलब हम लोग थोड़ा सेल्स के वैल्यू को उड़ा देंगे और हमको सेल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग सम इक्वेशंस जैसे मतलब एक्स लगा दो और फाइंड आउट करो वो टाइप का बट इट वॉज वेरी सिंपल ओके सो नेक्स्ट जो था वो टॉपिक था फ्रॉम लेवरेजिस ओके सो क्या करेंगे सर वंस अगेन वी आर गोइंग टू गो थ्रू दी रिक्वायरमेंट है अच्छा यहां पे इंस्टीट्यूट ने ये अच्छा गेम प्ले किया कि उनको जो लगा कि स्टूडेंट को फर्स्ट मिल जाएगा जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज वन पॉइंट फोर एंड द कम्बाइंड लिवरेज इज टू पॉइंट एट ऑब्वियसली यहां से स्टूडेंट को मिल जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज बिकॉज ओ एल इंटू एफ एल इज इक्वल्स टू सी एल ओके सो ऑलरेडी सी एल आपको दिया गया था दैट इज द टू पॉइंट एट विच इज ऑलरेडी गिवन ऑपरेटिंग लिवरेज वॉज वन पॉइंट फोर एफ एल मिल गया आपको टू दैट इज वन पॉइंट फोर इंटू टू यू वुड हैव गॉट दैट इज टू पॉइंट एट

सेल्स इंटू हंड्रेड अगर आप करोगे तो पीवी वी रेशो मिल जाएगा एंड अर्निंग पर शेयर दिया हुआ था ओके सो फर्स्ट सेकेंड वन ओके ओके सो इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री ओके वॉट डू मीन बाय इंडस्ट्री इंडस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्म मतलब जो आपका फॉर्म है लेट्स टेक की जैसे हम सिप्ला का एग्जाम्पल ले लेंगे तो सिप्ला बिलोंग्स टू तो द फार्मसी तो सिप्ला जो हो गया वो फॉर्म हो गया है और फार्मसी जो हो गया वो इंडस्ट्री हो गया है ठीक है सो इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री जिसका असेट टर्न ओवर रेशियो वन पॉइंट फाइव है हाँ अब यहां पे थोड़ा सा कॉमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि आपको कैलकुलेट करना है टर्न ओवर और अगर वन पॉइंट फाइव से कम आया होगा या वन पॉइंट फाइव से ज्यादा होगा जो भी आप मतलब उसको डिटेल में कैलकुलशन किए रहोगे ठीक है और वहां पे हमको मेन्टेन करना है कि हाई है कि लो है अजेट टर्न ओवर रेशियो दिस इज अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन आई थिंक सो की फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर में से काफी पेपर रिपीट होके आए हुए हैं ओके नाउ लेट अस मूव टू दिस सी ओके हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस टॉपिक को अंडर एस्टिमेट किया था अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो डिविडेंड पॉलिसी ओके okay? डिविडेंड पॉलिसी जो मेरे तरफ से एक्सपेक्ट नहीं था वो क्वेश्चन पांच मार्क के लिए आया था दैट इज़ द ग्राहम एंड डॉट क्योंकि मैंने ज़्यादा स्टूडेंट्स को फोकस करने के लिए बोला था बट सेफ़र साइड पे जैसे कि मतलब अगर हमारे पूरे ऑफलाइन लेक्चर्स चलते तो हम लोग सब चीज़ कवर करा देते ओके okay, सो so यहाँ पे हम लोग ने एम एम अप्रोच का किया था ग्राहम एंड डॉट तो किया ही था ठीक है बट आई नॉट डिस्कलोज दैट इन दी सी एनालिस में क्योंकि मतलब मैंने वो डिस्कलोज uh, किया ही नहीं वहां पर रिगार्डिंग डिविडेंट पॉलिसी मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो वहां पर मैंने डिस्कलोज नहीं किया था ओके सो दी क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द डिविडेंड डिसीज ओके तो यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन डाला था ओके वेरी स्मार्ट क्वेश्चन हैज बिन सेट बाई द इंस्टीट्यूट ट इज ग्राहम एंड का दो मार्क का टेस्टिंग यहाँ पे कर लिया और लिंटर मॉडल का ओके okay, जो आई थिंक so बहुत ही कम फ्रिक्वेंसीज होता है लिंटर मॉडल का आने के लिए या तो ना के बराबर होता है मतलब स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि लिंटर वो पूछ सकते हैं ठीक है ठीके? लिंटर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था दैट वॉज फॉर फाइव मार्क्स ओके हाँ अब अगर आप डी क्वेश्चन देखोगे तो इट वॉज फ्रॉम वर्किंग कैपिटल वन ऑफ दस्टिक क्वेश्चन ठीक है हाँ, ये था कि पांच मार्क के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता था बिकॉज अगर आप मेरा एबीसी देखोगे तो उसको मैंने डाला हुआ है सी में यस ये देखिए आप मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जहां पे हमारा वन आवर का टाइम uh, स्लॉट था ड्यूरिंग द प्रिपेरेशन बिफोर द एग्जाम्स कंपिटिशन ऑफ वैक मैंने ए में डाला था लुक एट दिस कम्पिटेशन ऑफ वैक वैक का वही मैंने आपको बोला था करंट अट्स माइनस करंट लाइबिलिटी एंड इन द एग्जाम दैट इज डी वाला आ गया था वर्किंग कैपिटल तो सर इसको कैलकुलेट कैसे करना था सिंपल था बेटा करंट असेट्स है करंट असेट्स के अंदर जो भी कॉम्पोनेट्स आएंगे स्टार्ट होगा आपका रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस डेटर्स फिनिश गुड्स एंड कैश बैलेंस ये टोटल कर लेना था आपको करंट असेट्स से फिर बाद में माइनस कर लेना था आपको करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज के कॉम्पोनेट जैसे आपको पता है कि क्रेडिटर्स आएगा एंड आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं लैग कुछ दिया यस yes, ये देखिए Lack दिया हुआ है। Lack का मतलब है, है. मतलब आउटस्टैंडिंग है तो ऑबी आउटस्टैंड लाइबिलिटी स्टार्ट कैसे करना था? देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है yes. okay. मतलब कैश ऑलरेडी दिया हुआ था वरना यहां पे इंस्टीट्यूट चाहता तो आपको कैश इन हैंड में भी थोड़ा बहुत तकलीफ दे सकता था बट दे ओके तो स्टार्ट करना था आपको 15,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन था और अगर क्वेश्चन जो है वो होता है नॉर्मली मंथ्स में या तो फिर वीक्स में इफ इट इज इन मंथ्स वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 12 इफ इट इज इन वीक्स वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 52 बिकॉज इन अ ईयर देर आर ट्वेल्व एंड इन अ ईयर देर आर फिफ्टी वीक्स बट अगर इस प्रॉब्लम को देखें अगर मैं स्टूडेंट होता तो पहले मंथ 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 को मैं अंडरलाइन कर देता था ठीक है हाँ और ये वीडियो उनके लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव है द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर इन मे ट्वेंटी फोर ओके सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू की आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ओके बिकॉज काफी एफर्ट्स हम लोग ने डाला हुआ है हमारी टीम ने काफी एफर्ट्स डाले हुए हैं यहाँ पे सो काइंडली लाइक द वीडियो ओके सो मी एज अ स्टूडेंट अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं पहले मान्थ माथ्स मंथस को अंडरलाइन करके मुझे पता चलता कि फिफ्टीन थाउजेंड है ओके प्रिपेयर द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू फाइनेंस द एक्टिविटी लेवल ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन So, 15,000 ko you should have divided by 12 because everything was given in terms of months. Okay. To finance the activity level of 15,000 units of production. Okay, so this was the working capital. So, once again, uh, we have a look. Ki kya kya questions the, Okay. So, first it was a ratio analysis. सेकेंड था लेवरेजेस है फैंटेस्टिक क्वेश्चन था फाइनेंशियल लेवरेज मिल गया है ठीक है और एक कॉमेंट बेस्ट था दैट इज द सेकेंड वन सी वाले में थोड़ा बहुत निराश हुए रहेंगे दो दो मार्क और तीन मार्क के लिए आता बिकॉज ग्राहम डॉट एंड लिंटर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज एम एम अप्रोच है वॉल्टर गॉर्डन ठीक है ज्यादा करके ये जाते लेकिन लेकिन गॉर्डन पे क्वेश्चन आया हुआ है फर्दर नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर टू बेसिकली अकॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है यह टेन मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है ठीक है ये इंस्टीट्यूट ने थोड़ा ट्विस्ट करने की कोशिश की हुई है ठीक है बट ऑब्वियसली इतना तो हक इंस्टीट्यूट का बनता ही है बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही अच्छा आपको सपोर्टिव दिया हुआ है एज अ स्टूडेंट पे कि मतलब की उन्होंने काफी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्कलोज किया हुआ है

द इश्यू ऑफ इक्विटी तो दो रिक्वायरमेंट थे यहां पर एडिशनल फंड एज अ लोन मतलब आप कितना लोन रेज कर पाओ अगर आप जो एडिशनल फंड है आपको दिया हुआ है कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और आपको वहां पर कैपिटल आउटलेट लगने वाला है चालीस लाख रुपए का फोर्टी लैख रुपीज का लगने वाला है अगर आपने वो फोर्टी लैख सो दिस वॉज फ्रॉम मोस्टली द कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यहां पे एक दिया था आपको जो था वो ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट के बेस ई वाला दिया था तो एडिशनल फंड अगर आपने लोन के थ्रू रेस किया लैक्स तो आपके मार्केट प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा या तो ठीक है आपने दो ऑप्शन चूज किया आपने पहला ऑप्शन चूज किया कि अगर आप इसको डेप की तरह से फंडिंग करोगे दैट इज 40 लैक्स यू आर फंडिंग थ्रू दी डेप सो हाउ मच वट विबल प्राइस ऑफ देयर्स मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा हालांकि यहां पर मतलब एज अ ऑन्टरप्रन्य आप यही चेक करते हो कि अगर हमने जो भी फंडिंग रेस किया वोइंग टू बी इम्पैक्ट ऑन दी मार्केट प्राइस ओके सो एडिशनल फंड अगर आपने डेप से रेस किया हुआ है फोर्टी लैक्स तो कितना होगा या तो आपने इक्विटी के जरिए उसको रेज किया हुआ है तो वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑन

आई आर आर एनपीवी पे बैक पीरियड ओके यह डिस्कशन हमने किया था एंड काफी सपोर्टिव क्वेश्चन टेन मार्क्स के लिए यहां पर पुटअप किया हुआ है इंस्टीट्यूट ने फॉर कैपिटल बजटिंग पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना था पे बैक पीरियड जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि द अमाउंट विच यू आर इन्वेस्टिंग जैसे एबीसी इज कंसिडरिंग टू परचेज द मशीनरी विच इज प्राइजेस फाइव लाख रुपीज मतलब पाँच लाख ,00 का एक मशीनरी है जो उन्हें खरीदना है दैट इज द फर्म को खरीदना है एबीसी लिमिटेड को और मशीनरी जो है वो फाइव ईयर्स तक वो चलाने वाले हैं और भंगार में बिकेगा वो फोर्टी फाइव थाउजेंड के हिसाब से ओके सो फाइव लैक्स इज द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी तो यहाँ पे अगर, अगर एक्सपेक्टेड जनरेट रेवेन्यूज वन लाख फिफ्टी दिया हुआ है ओके okay. हाँ वन लाख फिफ्टी फॉर फाइव ईयरस है तो वन लाख फिफ्टी इंटू थ्री लाख फिफ्टी इंटू थ्री फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड बिकॉज हमको रिकवर करना है फाइव लाख रुपीजे जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द रेवन्यू ऑफ वन लाख फिफ्टी पर एनम फॉर फाइव ईयरस है ओके okay, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डेप्रिशिएशन का फैक्टर भी ले लेंगे द एनअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन इज अच्छा यहाँ पे खर्चा भी दिया हुआ है दट इज ट्वेंटी एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ है ट्वेंटी परसेंट एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज टेन परसेंट टेन परसेंट मतलब वही हो गया आपका वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन करोगे ज़ीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन इक्वल टू इक्वल टू कैलकुलेटर पे करते जाओगे वो आपको मिलते जाएगा तो पे बैक पीरियड वॉज सिंपल एक आपको स्ट्रक्चर बनाना था ओके और यहाँ पे आप टेन परसेंट का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन अगर हम कैलकुलेटर पे इक्वल टू करते हैं तो जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन जीरो चलते जाता है ठीक है उसके बाद में एनपीवी एनपीवी इज द पीवी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस द पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो वो फॉर्मूला लगाना था अगर एनपीवी आपको मिल गया होता okay. ठीक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फैटेस्टिक वेरी सिंपल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो विल गेट डिवाइडेड बाय द पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो ओके काफी बढ़िया काफी बढ़िया पेपर था यहाँ पे टेन मार्क्स ओके कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर किसका है ओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओके मूविंग टू दी एबीसी एनालिसिस ओके हाँ कैटेगरी नंबर ए में देख लीजिए आप ओके okay. जो मैंने पहला टॉपिक वहां पे डाला हुआ है वो है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज आई टोल्ड यू कि वहां पे आपको जो फॉर्मूला करना था वो था के बेस्ड कॉस्ट ऑफ डेप्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है यहाँ पे डेप्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है यहां पे अगेन कंपनी को रेस करना है 25 फाइव लैक्स अब कंपनी यहां पे दो चीज के कॉम्बिनेशन बनाने वाली है डेप्ट और इक्विटी के अब डेप्ट में यहाँ पे स्लैब दिया हुआ है कि अगर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक सो यू आर गोइंग टू पे एट परसेंट हाँ यहाँ पे पहले हमको पूरा एवरेज इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इनकॉर्पोरेट करते थे टैक्स का रेट दैट इज दर्टी परसेंट ओके दैट इज दर्टी परसेंट जो आप यूज करते हो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डेप्ट का थर्टी परसेंट का सो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपको फाइंड आउट करना था दैट इज द के बेस डी करके ओके कॉस्ट ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग मतलब के बेस आर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रिटेंशन रेशियोज ओके हर एक इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए थे कॉस्ट ऑफ डेप्ट यहाँ पे मिल जाता था कैलकुलेट uh, करके यहाँ पे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता था यहाँ पे जो स्लैब था यहाँ पे बियॉन्ड फाइव लैक्स है तो पहले तो आप टू रेज टू थ्री निकालोगे सो टू रेज टू थ्री मतलब uh, जो आपकी डेप की फंडिंग होगी वो टेन लैक के जरिए होगी और जो आपकी इक्विटी की फंडिंग होगी वो फिफ्टीन लैक्स के जरिए होगी हाँ दिस वॉज द स्टार्टिंग अगर ये आपका स्टार्टिंग सबसे परफेक्ट है तो ऑब्वियसली आगे आपने थोड़ा बहुत फैंटेस्टिकली परफॉर्म किया होगा वहां पे ओके okay. और सिर्फ जो पैटर्न था वो था केबीएस डी का यहां पे बिफोर टैक्स बिफोर टैक्स है आप एक एवरेज कैलकुलेट कर लेते थे वहां पे ठीक है स्लैब के हिसाब से अर्निंग ऑफ द कंपनी दिया है रिटेंशन दिया है एक्सपेक्टेड ग्रोथ ओके यस एंड फाइनली जैसे मैंने आपको एबीसी एनालिसिस में बताया था वैक दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कुछ ज्यादा दिक्कत वाला नहीं था क्योंकि अगर आपके पास के बी एस डी और के बी एस सी अगर एप्लीकेबल है तो ऑब्वियसली वैक वहाँ पे आपका फाइंड आउट हो जाता था अगेन वन ऑफ द फैंटेस्टिक क्वेश्चन हाँ यहाँ पे अभी आपको क्या करना पड़ता था सी इट हैज आई थिंक सो ये प्रीवियस ईयर पेपर के रिपीटेड ही है ओके आई नॉट रिमेंबर ट्वेंटी फिफ्टीन या ट्वेंटी सिक्सटीन के अराउंड कोई तो पेपर में ये आया हुआ है ओके समवेयर अराउंड दैट फाइव लैख ट्वेंटी फाइव ये यहां से आपको रिड्यूस करना पड़ेगा कहां से इक्विटी से इक्विटी से आपको रिड्यूस करना पड़ेगा दैट इज तो वहां पे आपको मिलेगा इज द इक्विटी का आपको इक्विटी मिल जाएगा फिर प्रपोशन वहां पर निकालेंगे ठीक है तो आपको पता ही जैसे कि मतलब कि पहले हम लोग सोर्सेज ले लेते तो सोर्सेज में आपके पास आ जाएंगे डेप्ट इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस उसके बाद में प्रपोशन Uh, फिर C.O.C. कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसके बाद में फाइनली जो लास्ट का कॉलम बनेगा वो बनेगा आपका वैक का दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सो क्वेश्चन नंबर फोर वॉज फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेट ओके नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर फाइव जो था पांच मार्क के लिए बी एस बी लिमिटेड इज कंसिडरिंग इट्स न्यू प्रोजेक्ट देखते क्या ओ यस एन पी वी एन पी वी फिर से आगे आपका एन पी वी लेट्स चेक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ओके इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं यहाँ पे कैपिटल बजटिंग ओके हाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैटेगरी बी में इसको मैंने कवर किया था जो आया है फिर आपके पास फाइव मार्क्स के लिए एंड दिस वॉज अगेन फ्रॉम कैपिटल बजटिंग आइर यू कैन से कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ओके कैपिटल बजटिंग इसको बोलो वो या इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलो ठीक है डजेंट मेक एनी डिफरेंस या तो आप इसको डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हो ठीक तो है टू एडवाइज द कंपनी वेदर टू इन्वेस्ट इन द न्यू प्रोजेक्ट और नॉट ऑन द बेस डन पी वी कॉन्सेप्ट ओके अगर यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना था फाइव करोड का आपका इनिशियली कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट है मतलब दिस इज द पी वी दिस इज द पी वी ऑफ कैश आउटफ्लो आउटफ्लो इज द डैट अमाउंट वॉट वी हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ओके जो फाइव करोड़ है ये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सेल्स है कंट्रीब्यूशन uh, मिल जाएगा माइनस फिक्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा, e कुछ इंटरेस्ट होगा तो एनपीवी तो <coughs> okay, के बेसिस इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंसीडरिंग एट वन परसेंट एडवांस वेरियंस है, ठीक है 1 आपने जैसे यहाँ पर देखा हुआ है कि जो टेन परसेंट है और यहां पे, so पे, जो दिया है वो वन परसेंट का दिया हुआ है तो क्या आपको लगता है कि अगर वहां पे वेरिएंस हुआ विच वेरिएबल इज हैविंग द मिनिमम इफेक्ट है ठीक है कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एनपीवी कंसीडरिंग वन परसेंट एडवर्स एडवर्स मतलब थोड़ा नेगेटिव वेरिएंस है इन ईच द वेरिएबल्स आर अवेलेबल विद यू ओके सो अगेन इट वॉज फ्रॉम कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मूविंग टू द बी पार्ट बी पार्ट यस जैसे मैंने आपको बोला था कि गॉर्डन का जो था यहाँ पे वो क्वेश्चन आया हुआ है बी में कौन सा क्वेश्चन है ये फिफ्थ का बी है फिफ्थ का बी है दैट इज फाइव मार्क्स के लिए आया हुआ है एंड इट वॉज प्योरली फ्रॉम द गॉर्डन ओके हाँ सो so यहाँ पे गॉर्डन का फॉर्मूला अप्लाई करना था दिस टॉपिक वॉज फ्रॉम डिविडेंड डिसीजन सो क्वेश्चन नंबर फाइव बी वॉज फ्राम द डिविडेंट डिसीजन दैट इज ऑफ गॉर्डन का पूछा था जैसे पहले हम लोग ने देखा कि वहाँ पे उन्होंने डॉट का पूछा हुआ है और लिंटर का पूछा हुआ था ठीक है ओके और उसके बाद में थेरी है थेरी में आया है राइट अ मेन फीचर्स ऑफ बुलडॉग बॉन्ड ओके फोर मार्क्स है ठीक है ये तो थेरी क्वेश्चंस है so this was the discussion about the fm paper okay so what is now my review over here okay so first of all good luck and all the best for your results to each and every students you have worked hard okay aur yahan pe aap ekdam positive raho don't lose any of your efforts okay aapne kafi yahan pe mehnat kiya hua hai and paper जैसे मैंने आपको solve किया एंड I have told you कि मतलब कि कौन से segment में से कौन सा आया था और मैंने आपको कोरिलेट भी कर दिया कि मतलब कि वॉट वॉज माई एबीसी एनालिसिस एंड हाउ वी हैव डन दिस ओके सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल द बेस्ट थैंक यू अरे सर ये तो रिकॉर्डिंग दब गया फिर